नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 वर्ष की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से होगी। इस दौरान हर 6 महीने में कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा और साल में 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर हो जाएंगे। वहीं 5 साल बाद उन्हीं कर्मचारियों को नियमित सेवा में रखा जाएगा जिन्हें 60% अंक मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार यह नियम बी और सी ग्रुप की सभी परीक्षाओं में लागू कर सकती है। इसके तहत शुरुआत के 5 साल संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। 5 साल में अगर कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो छटनी की तलवार लटकी रहेगी। वही जो लोग 5 साल की संविदा की नियुक्ति पूरी कर लेंगे और संतोषजनक कार्य रहेगा तो उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हर विभाग से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सभी विभागों से सुझाव लेने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जा सकता है। इस प्रस्तावित नई व्यवस्था के पीछे का तर्क ये है कि इससे कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी, साथ ही नैतिकता, देशभक्ति और कर्तव्य पारणता के मूल्यों का विकास होगा। इतना ही नहीं, सरकार पर वेतन का खर्च भी कम हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।